तो हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में ना मैं आपके साथ ना टॉप 10 न्यू एंड एडवांस ना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। तो जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, एंड अगर आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके गेम प्ले में इंप्लीमेंट करते हो तो आपको आपके गेम प्ले में ना काफी इंप्रूवमेंट नोटिस होगा। लाइक आपका जो लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड क्लोज रेंज है वो काफी इंप्रूव हो सकता है। तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, इस वीडियो को ना एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारी फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आती है स्पेशली ना टीडीएम के लिए, बट अगर आप चाहो तो आप इसको क्लासिक में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो अगर आप इस वाली ट्रिक को यूज करते हो तब की बॉडी एक्सपोज करे बिना आप एनिमीज को ना कवर के पीछे से ही किल कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप ये वाली क्लिप देख सकते हो। तो आपने देखा मैंने एनिमी को ना इजीली किल कर दिया कवर के पीछे से विदाउट मेरी बॉडी एक्सपोज करे। तो अब मैं आपके साथ ये वाली जो ट्रिक है ना वो शेयर कर देता हूँ। जस्ट आपको नॉर्मली जो कवर है ना इसके पीछे आ जाना है। तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए ना आपको जस्ट सिंपली एक बार फायर करना है, उसके बाद ना आपको आपकी जो गन है उनको स्विच करते रहना है, एंड आप काफी इजिली कवर के पीछे से भी एनिमीज को ना बुलेट कलेक्ट कर पाओगे। तो मैं आपको एनिमी का भी पीओवी दिखा देता हूँ। तो जो हमारी सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, तो जब हम टीडीएम खेलते हैं तो काफी बार जो एनिमीज होते हैं इस कंटेनर के पीछे ना नो फूड कैंप कर रहे होते हैं। जब भी हम लोग ना इस साइड से रश कर रहे होते हैं तो एनिमीज ना काफी इजीली हमको कैंप करके मार देते हैं। तो आप इस वाली ट्रिक को यूज करके जो भी एनिमीज ना उस कंटेनर के पीछे कैंप कर रहे होते तो उनको इजिली ना मार सकते हो। तो आपको जस्ट सिंपली जो ग्रेनेड है उसको पिन आउट कर लेना है, एंड थर्ड आई का यूज करके जो कंटेनर का एंड है ना इसके ऊपर ना आपको ग्रेनेड थ्रो कर देना, जैसे ग्रेनेड में ना 3 सेकंड बाकी हो। सो मैं आपको एनिमी के भी पीओवी से दिखा देता हूँ। तो एनिमी को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पीछे भागने को। सो जो भी एनिमी उस कंटेनर के पीछे कैंप कर रहा होगा आप उसको काफी इजीली ना किल कर सकते हो इस ट्रिक को यूज करके। तो जो हमारी थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सपोज आप किसी कवर के पीछे हो एंड अगर आपको एनिमी को डैमेज देना है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली ना पीक करके फिर डैमेज देने का ट्राई करोगे। तो हम जब भी पीक करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ हेड ही विजिबल होता है एनिमी को, एंड आपको पता ही है कि हेडशॉट का ना डैमेज कितना ज्यादा होता है। एंड अगर एनिमी का एम थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको काफी इजिली ना हेडशॉट कनेक्ट करके नॉक या फिर फिनिश कर सकता है। बट अगर हम पीक की जगह एडीएस का यूज करें डैमेज देने के लिए तो हमारी ना काफी कम बॉडी एक्सपोज करके एनिमी को ना मैक्सिमम डैमेज दे सकते हैं, एंड एनिमी के लिए ना काफी डिफिकल्ट होगा हमको ना डैमेज देना बिकॉज हमारी ना काफी कम बॉडी एक्सपोज होगी प्लस हमारा जो हेड है वो भी बिल्कुल कम एक्सपोज होगा। तो मैं आपको एक बार ना साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ पीक एंड एडीएस का। तो जब मैं पीक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरी ना कितनी ज्यादा बॉडी एक्सपोज हो रही है, आप एनिमी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। एंड जब मैं एडीएस का यूज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरी ना कितनी कम बॉडी एक्सपोज हो रही है, एंड आप एनिमी का भी पीओवी देख सकते हो। सो ये रहा साइड बाय साइड कंपैरिजन। ये वाली जो एडीएस ट्रिक है ना सिर्फ राइट साइड पीक के लिए यूजफुल होगी, अगर आपको लेफ्ट साइड से डैमेज देना है तो हमेशा ना लेफ्ट साइड से पीक करना। अगर आप लेफ्ट साइड से एडीएस ओपन करते हो तो उसमें ना आपकी मैक्सिमम बॉडी एक्सपोज होगी। आप इस वाली ट्रिक को एक बार ट्राई जरूर करना। तो जो हमारी फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, तो अगर आप इस वाली ट्रिक को यूज करते हो तो आपकी जो ग्रेनेड एक्यूरेसी है उसको ना काफी इंप्रूव कर सकते हो। सो अगर आप किसी कवर के पीछे ना आपको लेफ्ट साइड से ग्रेनेड करना है तो आप हमेशा ना सबसे पहले एफपीपी में स्विच करना, उसके बाद ग्रेनेड करना। बिकॉज अगर हम लोग ना एफपीपी में स्विच करने के बाद ग्रेनेड करते तो हमको ना काफी ज्यादा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मिलता है, प्लस हमारी जो बॉडी है ना उसकी काफी कम एक्सपोज होती है कंपेयर टू टीपीपी ग्रेनेड। तो आप देख सकते हो जब मैं टीपीपी में ग्रेनेड कर रहा हूँ तो मेरी कितनी ज्यादा जो बॉडी है ना एक्सपोज हो रही है, प्लस मेरे को ना सामने का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग ना एफपीपी में स्विच करने के बाद ग्रेनेड कर रहे हो तो हमको ना कितना क्लियर व्यू मिल रहा है, जिससे कि हम लोग ना काफी एक्यूरेटली ग्रेनेड कर सकते हैं, प्लस जो हमारी बॉडी है ना वो काफी कम एक्सपोज हो रही है। आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो टीपीपी एंड एफपीपी ग्रेनेड में। तो आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी लेफ्ट साइड से ग्रेनेड करना तो हमेशा ये वाली ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। सो जो हमारी फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, टीडीएम में जो ट्रेन का कंटेनर है इसके आसपास ना काफी बार हमारी जो फाइट है ना होती है, जो एनिमी ने इस ट्रेन के कंटेनर के पीछे ना इधर कैंप करने लगते हैं। सो आप इस वाली ट्रिक को यूज करके एनिमीज को ना काफी इजिली सरप्राइज अटैक कर सकते हो। सो आपको इस जगह पे आ जाना है, जो जंप का बटन है इस पर आपको 2-3 बार ना क्लिक करना है, आप काफी इजिली ना इसके ऊपर चढ़ जाओगे एंड आप एनिमीज को ना सरप्राइज अटैक कर सकते हो, एनिमी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सो मैं आपको एनिमी का भी पीओवी दिखा देता हूँ। तो जो हमारी सिक्स्थ टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सो अगर आपके क्लोज रेंज में हेडशॉट से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते, सो जो मैं अभी आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपको जो हेडशॉट से ना कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इंस्टेंटली। अब जब भी क्लोज रेंज में फाइट लेने जा रहे हो तो आपको हमेशा आपका जो क्रॉसर है ना आपका जो हेड का लेवल है उससे ना थोड़ा ऊपर रख के उसके बाद जाके आपको एनिमी से फाइट लेना है, एंड आप जैसे इस ट्रिक को अप्लाई कर दोगे आप नोटिस करोगे आपके जो क्लोज रेंज में हेडशॉट के परसेंटेज है ना काफी इंप्रूव हो जाएंगे। तो जो हमारी सेवंथ टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सो काफी बार ना ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एनिमीज ने इस तरह की रिज या फिर हिल के ना
ऊपर होते हैं, हमको इसको क्लाइम करके ऊपर जाना पड़ता है। सो अगर हम इस तरह की रिज या फिर हिल को नॉर्मल वे से क्लाइम करते हो तो आपको पता होगा हम काफ़ी स्लो स्पीड में ऊपर जाते हैं, बट जो मैं अभी आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप 10 times ना फास्ट स्पीड में ऊपर जा सकते हो। तो आपको जब भी रिज या फिर हिल को क्लाइम करना है तो आपको आपकी जॉयस्टिक है उसको ना आपको 45 degree के एंगल पे करके आपको जो कैरेक्टर का फेस है उसको आपको पूरा नीचे ग्राउंड की तरफ करके उसके बाद आपको क्लाइम करने का ट्राई करना है। आप नोटिस करोगे आप काफी स्पीडली ना ऊपर क्लाइम कर पा रहे हो। सो मैं आपको एक बार ना साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। सो अभी आप जो क्लिप देख रहे हो इसमें ना मैं नॉर्मल वे से क्लाइम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कैरेक्टर की स्पीड ना कितनी स्लो है क्लाइम करने की। एंड अभी आप जो क्लिप देख रहे हो इसमें मैं ये ट्रिक यूज करके क्लाइम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कैरेक्टर ना कितने स्पीडली ऊपर जा रहा है। सो जो हमारी 8th टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सो अगर आप भी जॉयस्टिक स्टक का जो प्रॉब्लम उसको फेस कर रहे हो, मींस कि आपके जो जॉयस्टिक है ना बार बार स्टक हो रही है जब भी आप उसको फिंगर से ना मूव करते हो, सो जो मैं ट्रिक शेयर करने वाला हूँ अभी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम है उसको ना आप काफी लेवल तक सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आपका एडवांस कंट्रोल्स में जाके आपकी जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है ना उसको ना आपको इंक्रीज करके 90-95 के बीच में सेट कर लेना है। सेकंड आपको कंट्रोल्स में जाके आपकी जो जॉयस्टिक की करंट साइज है उसको ना आपको +15-20 ना इंक्रीज कर लेना है। तो जैसे आप इन दो स्टेप्स को फॉलो कर लो तो उसके बाद जाके आप कोई भी TDM या फिर क्लासिक मैचेस खेल सकते हो। एंड आप नोटिस करो कि जो जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम था ना 90-95% ना सॉल्व हो गया होगा। सो जो हमारी 9th टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, सो काफी बार ना हम लोग ने एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी हम लोग ना फाइट में होते हैं हमको एक गन से दूसरी गन पे स्विच करना होता है एंड हम लोग ना गन पे टैप करते हैं जो हमारी गन है ना वो स्विच ही नहीं होती। तो अगर आप भी जो गन स्विचिंग का प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप इस वाली ट्रिक को ना यूज कर सकते हो। आप जब भी ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ना जस्ट एक हैबिट डेवलप करनी होगी। सो आपको जब भी गन स्विच करनी है तो आपको एक बार टैप करने की जगह जस्ट आपको सिंपली 2 टैप करना होगा सेम गन पे। अब जैसे ही गन पे 2 टैप करने की हैबिट डेवलप कर लोगे तो आप नोटिस करोगे आपका जो गन स्विचिंग का प्रॉब्लम है ना काफी सॉल्व हो जाएगा। सो जो हमारी 10th टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, तो अगर आपको भी आपकी जो जिगल मूवमेंट उसको इम्प्रूव करना है, 20 लेवल जिगल मूवमेंट बनाना है जिसको ना क्लोज रेंज में एनिमीज के लिए ट्रेस करना काफी डिफिकल्ट हो, तो आप इस वाली ड्रिल को ना प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जस्ट नॉर्मली जो टेबल दिख रहा है इसके पास आ जाना है, टेबल के एक एंड पे खड़े हो जाना है। आपको सिंपली टेबल के एक एंड से दूसरे एंड तक ना आपको जिगल मूवमेंट करना है। एंड आप जब जिगल मूवमेंट करो तो आपको ट्राई करने की आपको जो जिगल मूवमेंट है ना एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट टेबल के एक एंड से दूसरे एंड तक ही हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एंड आपको इस ड्रिल को ना डेली 2-3 minutes प्रैक्टिस करना है एंड आप नोटिस करोगे थोड़े टाइम में जो आपकी जिगल मूवमेंट है ना काफी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो मैं फर्स्ट टाइम को इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप कमेंट करके मुझे सजेशंस दे सकते हो मैं किस तरह से वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट है उसको इंप्रूव कर सकता हूँ। सो टेक केयर एंड बाय।